जीत आउट आउट बिल्कुल। लेकिन बेहतरीन बोल्ड और सचिन एक बार फिर क्लीन बोल्ड होते हुए। ब्रेक के बाद स्वागत है। टीम इंडिया के बल्लेबाजों के फ्लॉप शो के बाद नागपुर में भी धोनी और उनके धुरंधरों कैसे नाक बचाएंगे ये तो एक बहुत बड़ा सवाल है ही, लेकिन इस हाल के लिए बहुत हद तक बीसीसीआई का यूडीआरएस नहीं लेने का फैसला भी जिम्मेदार है, क्योंकि नागपुर टेस्ट में कई ऐसे फैसले थे जो भारत के खिलाफ गए। देखिए क्यों कमी खली भारत को यूडीआरएस की। भरपूर अपील, क्या आउट देंगे या नहीं। ईशांत शर्मा को यकीन नहीं आ रहा कि कुमार धर्मसिन्हा ने अपनी उंगली क्यों नहीं उठाई। बहुत क्लोज होगा रमीज। ओह, ये ऑफ स्टंप मिस कर रहा था, लेग स्टंप मिस कर रहा था और मिडिल स्टंप पे जाके लग रहा था ईशांत शर्मा। पता नहीं कुमार धर्मसिन्हा ने किस लिए ना कहा। अपील किया कुमार धर्मसिन्हा, उंगली नहीं उठाएंगे और सात ही विकेट गिरे हैं 281 रन। मुझे लगता है बहुत क्लोज डिसीजन था। अंदर आई बॉल या अगर अगर रोल पे लगी है ये देखिए, शायद जब टच हुआ तो ऑफ स्टंप के बाहर है अंपायर। गुगली अंपायर की सहमति नहीं, बैक फुट पर थे, निश्चित रूप से लेग स्टंप मिस होती जैसे उन्होंने समझाया। पीयूष चावला की देखिए गेंद अंदर आएगी तो गुगली है और मुझे आउट लगा। बॉल पहले पैड पे लगा, कुमार धर्मसिन्हा ने उंगली खड़ी कर दी और कुक की विकेट गिर गई। एक बहुत बड़ी विकेट मिली है ईशांत शर्मा को। अच्छी गेंद अंदर की तरफ आई एलिस्टर कुक को। वापस आया गेंद लेफ्ट हैंडर को, शायद ऑफ स्टंप के बाहर। कुमार धर्मसिन्हा ने कुछ और सोचा। एलिस्टर ये विकेट देखिए, उससे पहले पुजारा एल्बो पैड और बेहतरीन कैच एन बेल द्वारा। तो इससे आपको इससे साबित होता है कि सिर्फ बैट पे लगने से ही आप आउट नहीं होते। जी हाँ, बहुत ही निराश पुजारा। बहुत अच्छा नागपुर में टर्न एल्बो पैड और शॉर्ट लेग पे अनलकी रहे चेतेश्वर। चलिए अब आपको यह भी दिखाते हैं कि टीम इंडिया ने कैसे अंग्रेजों की पहली पारी को समेटा। सो ईशान शर्मा गेट्स अ विकेट फॉर इंडिया, इंग्लैंड लूज अ विकेट, कॉम्प्टन्स गॉन फॉर थ्री। अनदर बिग अपील, ईशान शर्मा इज वेरी एक्साइटेड एंड दिस टाइम द फिंगर गोज अप। ईशान शर्मा दिस टाइम इट्स अ डिसीजन इन हिज फेवर। Bowling. Have a look at that. Jadeja strikes. Strikes as a left-arm spinner in Test match cricket. First Test wicket for Rabindra Jadeja. He's got in. Sharp catch. Virat Kohli doesn't miss too many. Nicely tossed up by the leg spinner. And Ian Bell early into it. Now it's taken. Peterson's aggression has got the better of him. He's been asked to wait. The Indian fielders think the catch is clean. Peterson just checking with the fielder, was it clean? Yes, said the fielder, and off he goes. हो सकता है चिंता हो। और ये बोल्ड, जैसे रेगिस्तान में बारिश अश्विन को राउंड दो विकेट करते उस ड्रिफ्टर की बात। लाइन को मिस किया, गेंद बाहर की तरफ स्विंग हुई और पंजाबी में कहते हैं डंडा निकाला अश्विन ने खुशी का। और एकदम से नई जान फूंक दी है भारतीय टीम। देखिए गेंद कैसे अंदर की तरफ झुकी, शाइनी साइड अंदर है और मिडिल स्टंप के ऊपर लगती हुई, कोई संदेह नहीं और उंगली उठी।
बहुत बढ़िया गेंद, बिल्कुल सीधी और इस पर ही गौर कर रहा है। और अब अपील इस बार दिया, कामयाबी दुरुस्त आए अंपायर ने, जिसे पहले आउट देना चाहिए था, अब जो आउट दिया है मुझे लगता है कि लेग स्टंप के बाहर टप्पा पड़ा है कि नहीं, हाँ थोड़ा ऑफ स्टंप के बाहर पड़ा, अंदर आई और कहीं ना कहीं इस्तकबाल किया अंपायर ने अपनी गलती का। Now he's got it there. So that's the end of the innings. Chetesh Pujara was there at short leg. Piyush Chawla gets a fourth. तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।